our today's topic is representation of rational number on a number line. यानी कि हमें रेशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है. आज तक हमने होल नंबर्स को, इंटीजर्स को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया है, तो हम कैसे करते थे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ अ लाइन इन द सेंटर, देयर इज अ जीरो इन राइट साइड, ऑल द पॉजिटिव नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, इन द लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर्स 3. तो इस तरह से हम होल नंबर के ऊपर रिप्रेजेंट करते थे. पर अगर हमें होल नंबर की जगह रेशनल नंबर कहा गया, ओके, सपोज आई हैव वन नंबर 2/5, तो 2/5 कहां पर आएगा, वो किस नंबर के बीच में आएगा, किस नंबर के बीच में लाई करेगा, तो हमें उसके लिए सबसे पहले क्या करना है कि 2 डिवाइड बाय 5. तो क्या होगा, 5 से तो नहीं होता, तो हमें लेना पड़ेगा पॉइंट, और यहां पर 0, 5, 4, 20, 0, 0. तो यहां पर आया है कि वो 0.4, यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 5 कहीं पर 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में. तो देखते हैं कैसे. सपोज 2 डिवाइड बाय 5, उसका मीनिंग क्या है कि वो 1 से छोटी वैल्यू है, 0.5 आंसर है, यानी कि वो 1 से छोटी वैल्यू, यानी कि वो 0 और 1 के बीच में होगा. तो उसके लिए हम नंबर लाइन बना लेते हैं, यहां पर एक, यहां पर 0, यहां पर 1. हमें पता चल गया क्योंकि वो 1 से छोटा नंबर है, तो वो 0 और 1 के बीच में ही कहीं पर आएगा. सपोज आंसर मेरा ऐसा आया होता कि 1.5, तो हमें पता चल जाता कि वो 1 से बड़ा है, तो 1 और 2 के बीच में कहीं पर आता. अब इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, नीचे कितने नंबर्स दिए गए, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. नीचे 5 नंबर, तो इसके बीच में 5 पार्ट होने चाहिए. तो ये आ गया 1, 2, 3, 4 और ये 5. तो यहां से हम करेंगे स्टार्ट 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और ये 5 डिवाइड बाय 5. जब 5/5 आता है या फिर कोई भी नंबर 6/6, 7/7, तो वो हो जाता है 1, यानी यहां पर आ गया हमारा 1, और 2/5 जो हमें फाइंड करना था वो हमें मिल गया. सपोज आपको ऐसा बोला होता कि आपको रिप्रेजेंट करना है 3/7, तो हम क्या करते कि ये नंबर कहीं पर 0 और 1 के बीच में कितने पार्ट्स होंगे, पहले तो 7 पार्ट्स होंगे. तो यहां पर हम ऐसे लाइन बनाएंगे और हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करना स्टार्ट करेंगे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ओके, तो 1/7, नीचे जो नंबर है उतने पार्ट हमें लेने, और स्टार्ट करना है नंबर 1 से, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, और यहां पर 7/7, यानी कि वो होता है हमारा 1. उसके बाद अगर आपको बोला होता कि आपको रिप्रेजेंट करना है 9/7, तो वो आएगा यहां पर आगे 8/7, 9/7, तो ये 9/7 आ जाता, 10/7, 11, 12, 13, 14. जब 14/7 आता है, उसका मीनिंग क्या है, 7 2 14, तो यहां पर आएगा 2. तो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑन अ नंबर लाइन. पर कैसे नंबर के लिए, रैशनल नंबर्स के लिए. तो अब हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर. हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अ रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर, यानी कि किसी भी 2 रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर आएंगे. तो सबसे पहले हम इसे क्लेरिफाई करने के लिए होल नंबर्स के लिए करते हैं. सपोज मैं अगर आपको ऐसा बोलूं कि 2 और 8, उसके बीच में कितने होल नंबर्स आते हैं, तो आप बोलोगे कि सर 3, 4, 5, 6, 7, ये सारे नंबर्स उसके बीच में आते हैं. पर अभी बात है रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर आते हैं. तो सपोज मैं आपको एक नंबर देता हूं कि 1/5 एंड 6/5, तो
इसके बीच में कितने रेशनल नंबर आएंगे कौन बता सकता है? हमने रिप्रेजेंटेशन और नंबर लाइन कर लिया है तो हमें थोड़ा सा इसका पता होना चाहिए। तो इसके बीच में आता है 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, यानी कि ये चार रेशनल नंबर उसके बीच में आते हैं। पर अगर मैं ऐसा बोलूं कि देयर इज इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर, यानी कि किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, तो वो कैसे होगा? तो सपोज यहां पर हमारे पास दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, सपोज कि मेरे पास एक ऐसी वैल्यू होती कि 2/3 एंड 4/5। तो सबसे पहले तो मुझे इसके बीच के रेशनल नंबर फाइंड करने, तो पहले तो मुझे दोनों का डिनोमिनेटर क्या चाहिए? सेम। तो दोनों का एलसीएम होता है 3, 5 = 15, तो क्या हो जाएगा ये, यहां पर इसे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 5 = 10/15, 4 3 = 12/15, तो इसके बीच में सिर्फ एक नंबर आ रहा है 11/15। पर अगर इसी नंबर को मैं आगे मल्टीप्लाई कराऊं, ओके, अभी यहां पर मैं नीचे 15 बनाया, पर 3 10 = 30 अगर मैं कर दू, 3 10 = 30 एंड 5 6 = 30, तो आगे हो जाएगा तो 2 10 = 20/30 और यहां पर 4 6 = 24/30, तो यहां पर 3 आ जाएंगे। जैसे जैसे मैं नंबर बढ़ाता जाऊंगा, नीचे का नंबर को और मल्टीप्लाई कराऊंगा और मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो ये नंबर्स और बड़े होते जाएंगे। सपोज के यहां पर मैं इसे 100 कर देता हूं, इसे 60 कर देता हूं, ओके, तो ये नंबर और बड़ा हो जाएगा। यहां पर हो जाएगा ये 200/300, यहां पर हो जाएगा ये 240/300, तो यहां पर इसके बीच में और नंबर आएंगे। अगर मैं इसे और बड़ा देता हूं तो ये और बड़ा हो जाएगा 2000, 3000, 3000, 2400, तो इसके बीच में 300 नंबर आ गए। तो जैसे हम नीचे का डिनोमिनेटर बढ़ाते जाएंगे उतने उसके बीच में नंबर्स भी बढ़ते जाएंगे। तो ये हो गया हमारा रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। नाउ वी विल गो ऑन अवर नेक्स्ट टॉपिक।